साथियों, बीते 4.5 वर्षों के अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1.1 करोड़ किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल है। इन किसानों को ₹2021 करोड़ अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के ₹2000 अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में ₹2000 की पहली किस्त जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। देश के वो 12 करोड़ छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, ऐसे सभी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। अब किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। केंद्र सरकार हर साल जो ₹6000 सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, उससे जरूरत के ये सारे काम कर सकते हैं। इसी काम के लिए ₹2000 की पहली किस्त आज अनेक किसानों के खाते में जमा की गई है। इनमें से कुछ किसानों को थोड़ी देर पहले सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। मैं फिर कहूंगा, जिन किसानों को आज पहली किस्त नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में पहली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाइयों और बहनों,
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है, अगर जितनी जल्दी सूची आ जाएगी। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, गुजरात सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का, ऐसी कई सरकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी। लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है, उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी।